हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं हूँ रायपुर में और मेरी बाइक को मैं अच्छे से प्यार कर चुका हूँ। पैम्पर हो चुकी है मेरी बाइक और बैटरी टर्मिनल मैं खोल के गया था, ये थोड़ा सा मैं काम कर लिया। आप भी कभी बाइक जाते हैं छोड़ के लंबे समय तक, 1-1.5 महीने के लिए, तो बैटरी टर्मिनल खोल के जाओ, बेस्ट है ताकि गाड़ी डिस्चार्ज ना हो। तो अभी मैं बैटरी को कनेक्ट कर दिया हूँ, अब देखते हैं कि मेरी बाइक जो है वो चालू होगी कि नहीं। दिस इज़ RC390, अब देखते हैं। हेडलाइट को कर लेते हैं अपन बंद और तो बाइक चालू हो चुकी है। इसका मतलब है आज शाम को धमाल मचेगा, तो आज शाम को मचेगा धमाल क्योंकि बाइक लेके हम निकलेंगे। तो इसमें लगा हुआ है नाइट आई का LED जो कि बकवास है, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही बकवास है, लेकिन मैं इसको ऐसे प्री ओन खरीदा था तो इसमें लगा हुआ था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, थोड़ी बहुत मतलब हैक्स, तो मैं आपको बताता हूँ अगले वीडियो में। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं और तब तक मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको ना बाइक में जब भी आप बहुत लंबे समय तक जाओ तो आने के बाद जो चीज़ करना है, पहले तो अच्छे से आप एक बार वॉश कर लो यार। और ना कभी भी आप बाइक वॉश करते हैं ना, कभी भी चाबी लगा के मत करिए क्योंकि इसका जो फ्लैप होता है ना वो ओपन रहता है तो उसमें पानी घुस जाएगा, तो ऐसा। और दूसरा है चेन को प्रॉपरली आप मेंटेन करो। अभी जैसे देखो मैंने चेन को क्लीन कर लिया है, चेन काफ़ी क्लीन है। अभी जो दूसरा काम करना है उसमें आप इसका कोई भी गाड़ी का गियर ऑयल या फिर इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हैं डीजल इंजन का, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई चीज़ें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो मेरे पास इसके पहले थी ड्यूक 200 और मेरे जितने फ्रेंड्स के पास KTM थी और जो शोरूम के जो मैकेनिक्स भी थे वो भी यही बोलते थे कि अराउंड 15,000 के आसपास आपको चेंज स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ेगा। तो मैं सीधा से आपको एक बात बता दूं, मैंने ज़िंदगी में ना कभी चेन क्लीनर यूज़ किया ना मैंने ही चेन ल्यूब यूज़ किया। मैं हर हफ्ते अपने चेन को मैं केरोसिन से वॉश करता था और उसको कपड़े से पोंछ के फिर उसमें मैं गियर ऑयल या फिर इंजन ऑयल डालता था, जला हुआ नहीं, नया इंजन ऑयल। और ऐसे मैंने सालों तक यूज़ किया। मेरी गाड़ी जब 19,000 किलोमीटर भी चल चुकी थी ना तब भी उसका चेन स्प्रॉकेट ऐसे कंडीशन में था कि शोरूम वाले बोले भैया अभी तो 5,000 और चल जाएगी। तो चेन आप अच्छे से मेंटेन करें, चाहे आपके पास पैसा है आप अच्छे से मेंटेन करें, ल्यूब स्प्रे जो आपको खरीदें, लेकिन इसको आप आदत बना लो कि चेन आपको मेंटेन करना है। लोग बोलते हैं हर 500 किलोमीटर के बाद आपको मेंटेन करना चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको जब टाइम मिल जाए आप करो। चले आपको बाइक 100 किलोमीटर चलाओ, 200 किलोमीटर चलाओ। और अगर मेरे भाई लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि आप चेन ल्यूब और चेन क्लीनर में आप पैसे डालें, कोई डरने का टेंशन नहीं है। मेरे को दिखा दूँ आपको, ये है केरोसिन विम के बॉटल में, ऊपर एक स्प्रे है, ये मैं इससे स्प्रे करता हूँ केरोसिन से। और आपके पास एक ऐसा ब्रश हो जिससे आप अच्छे से ब्रशिंग कर पाए चेन का, उससे पूरा भी डस्ट और ऑयल और जो भी मिट्टी है निकल जाता है। एक कपड़े से आप पूरा उसका जो गंदगी है वो आप निकाल लो और उसके बाद आप उसमें आप इंजन ऑयल या गियर ऑयल, बेस्ट होता है गियर ऑयल क्योंकि वो बहुत ठीक होता है, बाकी आप इंजन ऑयल भी डाल सकते हैं, बस प्रेफर करें जला हुआ इंजन ऑयल नहीं, नया इंजन ऑयल आप डालें, गाड़ी आपकी सलामत रहेगी। चक दे फट्टे नब दे गिल्ली। आपकी बाइक मैकेनिकली सही भी है, सस्पेंशन सही है, सारी चीज़ें सही है, फिर भी आपको दो चीज़ ऐसी है ना दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है आपको सही राइड चलने के लिए, उसमें से एक है आपका चेन का टेंशन कि चेन कितना टाइट है कितना ढीला है, प्रॉपर टेंशन में होना चाहिए चेन। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसका टायर का प्रेशर, तो दोनों टायर का प्रेशर आप
सही रखिए, चैन का टेंशन आप एकदम सही रखिए, आपकी गाड़ी जो परफॉर्मेंस आउटपुट देगी उसमें आपको मजा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्तों, और स्टे ट्यून टू टॉक हाउस। और मैं ऐसी छोटी छोटी ना चीज़ें आपको बहुत बढ़िया चीज़ें बताते रहूँगा जिससे अपना अपने बाइक को अच्छा हेल्दी रख पाएँ और अच्छे मेंटेन रख पाएँ, क्योंकि बहुत सारी ना ऐसी टेक्निकल नॉलेज भी हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगा, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगी और ईजी टू डूएबल रहेगी, DIY रहेंगी। तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहो आप लोग, और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाते रहूँगा। प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको क्या क्या और जानना अच्छा लगता है बाइक्स के लिए, कार्स के लिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे मैं वो बना दूंगा आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो कीप योर बाइक हेल्दी, कीप योर कार हेल्दी, बी हेल्दी एंड ड्राइव सेफ, राइड सेफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू टॉक हाउस। गुड बाय।